दिल्ली में 27,000 मकान बनाए गए थे झुग्गी में रहने वाले लोगों को देने के लिए, लेकिन पिछले 8-9 सालों में एक भी मकान नहीं दिया गया और वो सारे मकान अब जर्जर हो गए। हमारे साथ गौतम गंभीर है, दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। सर, 27,000 लोगों को आशियाना दिया जाना था, सरकार ने नहीं दिया, पिछले 2013 में ही बन के तैयार थे, 8-9 सालों में नहीं दिया गया, अब करोड़ों रुपए बर्बाद हुए और सारे मकान जर्जर हो गए। देखिए, और आप क्या कह सकते हैं सरकार के बारे में, पिछले 8 साल से इसी तरीके से दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मीडिया मैनेजमेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, करोड़ों रुपए मीडिया को देते हैं, उसके चलते वे मीडिया दिखाती नहीं है और बड़े बड़े विज्ञापन लगाते हैं। नहीं तो पिछले 8 साल में मकान हो गए, DTC बसेज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पानी हो गया, पोल्यूशन हो गई, एजुकेशन हो गई, कोई नया स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, उसके बावजूद जो मीडिया मैनेजमेंट है ये हमारे को जरूर सीखनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी से। सर, आपको लगता है कि चूंकि शीला दीक्षित ने वो मकान सारे बनवाए थे तो सिर्फ राजनीतिक वजहों से ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन गरीब लोगों को ये मकान आवंटित? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि वो किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, वो दिल्ली के लिए राजनीति करना चाहते हैं या सिर्फ विज्ञापन की राजनीति करना चाहते हैं।